and the marquee award, CNN News 18 Indian of the Year 2022. Ladies and gentlemen, Neeraj Chopra. Chopra! Indian of the Year 2022, ladies and gentlemen. Can we have a loud round of applause, please? I'd like to ask a couple of questions, please, Neeraj, Ranveer, Kapil Park. Neeraj, aap bhi Haryana se hain, Kapil Paji bhi Haryana se hain. All of us who grew up in the 80s, 90s, we all wanted to become like Kapil Paji because he was the Haryana hurricane. Kuch hai Haryana ke, kya mitthi mein hai, uske dood mein hai, kya hai ye? Sabse pehle, thank you sir, is honor ke liye. Sabse pehle, main sir ko hi bolna chahunga. No, no, baar baar ye Haryana ki baat kare, Haryana mein baat kar de, dekhi jayegi. Koi samjhe ya na samjhe, tu bol dal. चलो आप करो जी। हाँ, तू कैसा लगा कि ठीक है सब कुछ? जमा बढ़िया जी, सब कुछ जमा, एक नंबर चल रहा। मेरे हिसाब से जी, नहीं देखो अच्छी बात है, स्पोर्ट्स का एक कल्चर बना हुआ हरियाणा में, क्योंकि आप सुबह उठ के 4 बजे सड़क पे जाओगे तो चाहे स्टेडियम भी नहीं है बच्चों के पास, लेकिन 4 बजे आपको वो रेस लगाते हुए मिलेंगे। उनके पास जूते नहीं है फिर भी नंगे पैर वो रेस लगाते हैं, तो वो एक जुनून है। मुझे लगता है कि वो जुनून धीरे धीरे पूरी कंट्री में आए और फैसिलिटी और बढ़े तो हमारा स्पोर्ट्स में हम वर्ल्ड में नाम कर सकते हैं। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ। यू आर द फर्स्ट इंडियन एथलीट जिन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है। वी हैड टू वेट, एज अनुराग जी सेड, 120 साल हो गए ओलंपिक्स के होते हुए, एंड फर्स्ट इंडियन टू विन एन एथलेटिक गोल्ड। जब आप पोडियम पे खड़े थे एंड द नेशनल फ्लैग वॉज गोइंग अप, नेशनल एंथम पूरे स्टेडियम में गूंज रहा था एंड आपका चेहरा बिग स्क्रीन पे आ रहा था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? We know what a billion Indians were feeling at that time, but what were you feeling? सर बहुत कुछ चल रहा, लेकिन सबसे जो जरूरी बात मुझे याद है, सबसे जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, जब हमारा नेशनल एंथम चल रहा तो सर ये अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे थे वहां पे। वाह, तो मतलब वो उससे बड़ी फीलिंग कुछ नहीं थी। मतलब ऐसा लगता है कि जितनी भी आज तक मेहनत करी है, इंजरीज हुई है, जो भी हुआ है, वो उस टाइम भूल गए थे हम पूरी। और मुझे लगता था कि शायद से एक ऐसा काम हुआ है कि मैं, क्योंकि बहुत एथलीट्स इमोशनल होते हैं, मुझे लगता है कि मैं भी रोऊंगा पोडियम पे खड़ा होके, पर वैसा नहीं हुआ, मैं रोया नहीं। तो लगता है मुझे कि और भी कुछ करूंगा आगे सर, पूरी मेहनत करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, यू विल गेट मोर गोल्स, मोर ग्लोरी फॉर इंडिया, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस रणवीर। सही टाइम पे माइक बंद हो गया। हेलो हेलो हेलो, और नीरज भाई, अच्छा नीरज भाई की एक्टिंग देखी है आपने एड्स में? देखी होगी, देखी है ना, वो गाना इतना सही है ना, जैवलिन मेरी आंखों में, जैवलिन मेरी बाहों में। आप एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हैं, बहुत हंसे हम, वो आपका वो क्रेड का एड था, हां जी, जबरदस्त। सर का भी तो कितना अच्छा था। मुझे तो लगता है नीरज के बायोपिक में नीरज ही एक्टिंग करेगा। नीरज चोपड़ा इन एन एज नीरज चोपड़ा। नीरज भाई, इतने यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, दे लुक अप टू यू, उनको भी आपकी तरह चैंपियन बनना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कहना चाहूंगा, वो एक सवाल कर रहे हैं, कैसे बने आपके जैसे चैंपियन? बस मुझे लगता है कि जब कई बार कई लोगों को या कई, मतलब किसी को भी आप पे विश्वास नहीं होता, तो आपको खुद पे विश्वास करके वो जो मेहनत उस काम के लिए करनी होती है उस पर 100% अपना लगाना पड़ता है, तो आप करके दिखाओगे तो फिर सभी आपका मिसाल देंगे। I think there are one or two audience questions as well for Neeraj. Neeraj, आप मेरे लिए प्रेरणा है, सबके लिए। प्रश्न यह है, आप हमेशा कहते आए कि मेरा युद्ध केवल स्वयं से है, किसी और से नहीं, और ये युद्ध आप जीते आए हैं और जीते रहेंगे। क्या आप
जो दूसरे स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं हमारे अभिनव बिंद्रा जी, उनकी तरह एक सन्नाटे में तपस्या करते हैं? नहीं सर, तपस्या तो नहीं करता, पर मुझे लगता है कि स्टेडियम में इतनी मेहनत करना ही सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि दिन में 8 घंटे या 10 घंटे मेहनत करते हैं, तो वो सबसे बड़ी तपस्या वही है। और उसके बाद भी जब हम कमरे में भी होते हैं या बैठे होते कहीं पे, तब भी हमारे माइंड में, अभी भी मेरे माइंड में ही चल रहा है कि कैसे ट्रेनिंग करनी है, क्या ट्रेनिंग होगी, तो ये माइंड में चलता रहता हमारे जी। All right. One more audience question, yes. My question is from नीरज as well as कपिल भाई। 138 करोड़ की भारत की जनसंख्या है, ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे पास 138 कपिल देव और 138 नीरज चोपड़ा है? कपिल हमारे हीरो रहे हैं 83 में, नीरज आज हमारे हीरो है, बट उतने स्पोर्ट्समैन जो ग्लोबल लेवल के हैं हम क्यों नहीं पैदा कर पा रहे? सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है दुनिया में, तो मैं कपिल भाई से और नीरज से पूछना चाहूंगा, ऐसा क्यों नहीं होता कि ओलंपिक्स में सेकेंड हाईएस्ट मेडल हमें मिले और एशियन गेम्स में भी सेकेंड हाईएस्ट मेडल हमें मिले, और ये होगा तो कब होगा? हेलो जिस दिन माँ बाप सोचेंगे कि इनको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना, उस दिन स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे। दुनिया में अगर हम 130 करोड़ लोग हैं, तो हमारे जितने डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट दुनिया में नहीं है। अगर गोल्ड मेडल उसका होता तो हमें मिलता, वो इसलिए कि हमारे माँ बाप ये चाहते हैं कि बेटा हमारा डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बन जाए। अब जाकर तब्दीली आई है कि कह रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ सकते तो कुछ खेल लो, ये तब्दीली है। इसका रिजल्ट 20 साल के बाद आएगा, आज नहीं आएगा। अभी भी हमारे माँ बाप, चाहे मैं अपने आप से बात करूं, अगर मेरे बच्चे के 10th के एग्जाम है और इंडिया जूनियर खेलना है, हम नहीं कहेंगे इंडिया जूनियर खेल, 10th के एग्जाम दे। जिस दिन वो माइंड सेट चेंज हो गया हमारा हिंदुस्तान का कि 10th के एग्जाम नेक्स्ट ईयर दे देना, इस बार जाकर जूनियर इंडिया खेलो, तब्दीली आ जाएगी। वाह, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज बिफोर वी गो, बिफोर वी रैप अप? देयर इज अ बिग सरप्राइज व्हिच रणवीर, दिस इज बाय ऑडियंस डिमांड, सो यू का ऑडियंस को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, दे आर द पब्लिक हु पे टू वॉच, सो दिस इज द ऑडियंस डिमांड, आप ही बता दीजिए। क्या मुझे नहीं पता? ओके, ऑलराइट, द ऑडियंस डिमांड इज दे वांट टू सी रणवीर सिंह टीच नीरज चोपड़ा हाउ टू डांस राइट हियर ऑन इंडियन ऑफ द ईयर 2022। ये तो करवा दिया। डू यू वांट टू सी दैट? डू यू वांट टू सी रणवीर सिंह? मैं क्या सिखाऊंगा यार, शेकिंग अ लेग विद नीरज चोपड़ा। किसी को ज्वाइन करने के लिए बुला लो, अकेला मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। नहीं नहीं, रणवीर अच्छा सिखाते हैं। सानिया जी बोली नो नॉट मी, नो नॉट मी, नो। अच्छा नो, हरती रेपा जी आप ही आ जाओ। नहीं, तू और मैं ही बचेगा के सर करेंगे हमारे साथ। हाँ सर करेंगे, तीनों लोग कंपनी देनी है डांस में आपको। डांस या मेन डांसर तो ये है, हम तो इनके बैकअप डांसर हैं। पागल, हमें स्पोर्ट्समैन को बोला है, माँ बाप ने भी बोला है, बेटा ये गलती मत करना, ये इनके लिए छोड़ दो, हम खेलते हुए अच्छे लगते हैं।